आयोटा क्लासेस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम लोग एग्जांपल नंबर 14 करने वाले हैं। तो इससे पहले के सारे एग्जांपल एक्सरसाइज वो सब मैंने करवा रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, जहाँ के आपको पॉलीनोमियल क्लास 10 के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा और वहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 14 आर से का वर्ल्ड नया एडिशन 2020 एक्सरसाइज 2 भी पॉलीनोमियल। देख लो क्या बोल रहे हैं इसमें कि इफ टू जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल, ये हमें पॉलीनोमियल दिया हुआ है, इसका दो जीरोज जो है हमें, एक ये दिया हुआ दूसरा ये दिया हुआ, तो फाइंड द अदर जीरोज, बाकी जो जीरोज बचे हुए हैं वो हमें निकालना है। अब थोड़ा समझो डियर स्टूडेंट्स, ईजी है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैंने आपको जीरोज से जो है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकालने का दो तरीका बताया था, अपने पिछले वाले वीडियो में भी बताया है, अगर आपने नहीं देखा तो वो देखना, तो वो दोनों में से कोई एक लगाओ, मगर बेटर ये है कि यहाँ पर फॉर्मूला वाला लगाओ, वो ज़्यादा बेटर है। तो आइए हम लोग फॉर्मूला वाला लगाते हैं। तो हमें मालूम है कि फॉर फाइंडिंग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल तो हमें जब दो जीरोस दिया जाता है तो हमें बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि क्या हो जाता है कि एक्स स्क्वायर है ना माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरोस के साथ में एक्स लगाते हैं एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा। याद करो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकालने का फॉर्मूला याद आया, आ गया होगा। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसको खाली बस यहाँ पुटाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकल जाएगा। तो देखो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दो, माइनस है तो माइनस रहने दिया, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा हमारा देखो एक जीरो अल्फा दूसरा जीरो बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो रूट थ्री से रूट थ्री खत्म हो जाएगा हमारा। अरे देखो ना मेरे भाई, टू प्लस रूट थ्री ना और प्लस टू माइनस रूट थ्री के साथ में एक्स लगा दिया। चलिए प्लस है तो प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि टू प्लस रूट थ्री ओके एंड टू माइनस रूट थ्री। चलिए अब आगे से सॉल्व करते हैं। तो ये रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल, तो टू प्लस टू फोर और यहाँ पर एक्स है, तो यानी कि हमारा कुछ निकलता हुआ आ रहा है नज़र कि एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ क्या हो जाएगा हमारा कि फोर एक्स हो जाएगा एंड देन यहाँ देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होगा हमारा फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर करेंगे तो टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर, अब माइनस बी स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर थ्री होता है, तो फोर माइनस थ्री यानी कि वन, यानी कि यहाँ वन आ गया हमारा कि निकल गया, ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकल चुका है। अब इसी से क्योंकि देखो ये दो जीरो से ही हमारा ये आया है, इसका मतलब है कि ये इससे जो है ना इससे ये पॉलीनोमियल एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो चलिए अब हम लोग डिवाइड करके देखते हैं और जो आपका क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन से हमारा दो जीरोस और निकल जाएंगे। तो इसको लिखो पहले एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखा मैंने एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स ओके प्लस वन ओके। चलिए अब इसको उतार दो एज इट इज, यानी कि एक्स टू द पावर फोर माइनस थ्री एक्स क्यूब माइनस 26 एक्स स्क्वायर प्लस 138 एक्स माइनस 35 ओके। चलिए अब अपन को क्या करना है, अपन को करना है डिवाइड। चलिए डिवाइड करते हैं, तो पहला टारगेट तो हमारा ये होना चाहिए कि ये खत्म करना है। चलिए खत्म करते हैं, यहाँ पे x पे पावर 2 है, यहाँ पे x पे पावर 4 है, यानी कि x पे पावर 2 से अगर अपन मल्टीप्लाई कर दें तो यह हो जाएगा x पे पावर 4 एंड देन जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस 4 एक्स है ना इंटू एक्स स्क्वायर बोलो तो एक्स क्यूब हो जाएगा और देन इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर ओके। चलिए साइन तो चेंज होगा हमारा, ये चेंज, ये प्लस में ये माइनस में, तो ये टर्म तो हमारा हो गया कैंसिल, चार में से छः में से चार जाएगा तो माइनस टू एक्स क्यूब, बुझते पा रही ना बात, समझ में आ रही है। चलिए आइए अब आगे देखिए, इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ये भी माइनस में ये भी माइनस में दोनों माइनस में बा है ना, तो माइनस माइनस पर काम करेंगे प्लस का, मगर साइन होगा माइनस का, 26 और 1 27 तो 27 एक्स स्क्वायर, समझ में तो आ रहा होगा मेरे ख्याल से। चलिए आइए अब आगे देखते हैं, अब यहाँ से इसको उतार दो प्लस 138 एक्स माइनस 35 ओके। अब क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट टारगेट इस एक्स क्यूब को ख़त्म करने का है ना, तो कैसे ख़त्म करेंगे अपन, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है यहाँ एक्स है क्यूब है, तो एक एक्स से तो मल्टीप्लाई करेंगे मगर यहाँ टू है और यहाँ टू नहीं है, माइनस टू है तो माइनस टू एक्स एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा काम बन जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस टू एक्स क्यूब ओके और ये इंटू ये करेंगे तो माइनस
चार दुनी आठ ना, आठ हो जाएगा तो ये हो गया एट एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर देन ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में आएगा, तो माइनस में आएगा तो माइनस में डाल दो, माइनस टू एक्स हो जाएगा। चलिए तो फिर हमारा काम वही कि साइन चेंज, ये हो जाएगा प्लस में, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, क्या बात है, क्या बात, सब सबको सब माइनस में आ रहा था। अरे देखो कुछ गलती करा अपन ने, देखो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा डियर तो चार दुनिया आठ, ये आठ प्लस में आएगा ना, माइनस माइनस प्लस, ओके चलिए ये भी माइनस प्लस माइनस, तो ये ठीक है हमारा, तो ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा हमारा प्लस में, तो ये वाला टर्म तो हो गया है कैंसिल, ठीक है। चलिए अब 27 में से 8 जोड़ेंगे, जुटेगा ही, जाहिर सी बात है जोड़ना पड़ेगा, अरे जोड़ना ही पड़ेगा मेरे भाई, चलिए जोड़ देते हैं। माइनस माइनस प्लस काम करेंगे, प्लस कम होगा साइन तो माइनस का ही होगा। 27 प्लस 8 बोले तो 35 एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 38 प्लस 2 यानी कि 140 एक्स, और ये हो गया मेरा माइनस 35, क्या बात। अब आइए आगे देखते हैं, अब जो है हमें ये इसको ख़त्म करना है, यहाँ पे माइनस 35 है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, बट यहाँ पे माइनस 35 है, यहाँ पे प्लस में है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस 35 नीचे लिख दे रहा हूँ मैं ताकि आपको वहाँ दिखेगा नहीं, तो माइनस 35 मैं ले रहा हूँ, तो माइनस 35 से उसको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 35 एक्स स्क्वायर, देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस, और 35 इंटू 4 यानी कि 140 होता है, तो 140x, ओके 35 इंटू तो प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा 35, ओके। चलिए अब क्या करेंगे, अब साइन चेंज होगा, ये प्लस में, ये माइनस में और ये प्लस में, चलिए तो ये वाला टर्म हमारा हो गया पूरा कैंसिल, 140 में से 140 जाएगा तो ये भी टर्म कैंसिल, और ये प्लस माइनस यानी कि ये भी टर्म होगा हो गया कैंसिल, तो यानी कि रिमाइंडर जो बचा हमारा वो बचा है लड्डू, है ना। अब आइए तो क्योंकि हमको कोशेंट से ही दो जीरोज निकालना है, तो हमें क्यू ऑफ एक्स को, क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमें लेना पड़ेगा लड्डू, चलिए जीरो लेके चलना पड़ेगा, यानी कि अब यहाँ हो जाएगा हमारा क्यू ऑफ एक्स कितना आया है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, ओके माइनस 35 इज इक्वल टू जीरो। अब हमें इस एक्स को तोड़ना है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन हमारा, तो 35 को जो यानी कि लास्ट वाला टर्म है, इसको जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 होगा, 35 को तोड़ेंगे तो 75 जो 35, तो यानी कि अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x, और ये कितना हो जाएगा हमारा कि प्लस 5x, तो 5 में से 2, 7 में से 5 जाएगा तो 2, माइनस वाला टर्म बड़ा है तो ये हो जाएगा माना बड़ा, और ये हो जाएगा माइनस 35 इज इक्वल टू जीरो। चलिए कॉमन क्या आ रहा है, आप कॉमन ले लो, तो कॉमन हमारा आ रहा है डियर स्टूडेंट्स x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लिया, और यहाँ बचेगा x माइनस 7, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है हमारा 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 कॉमन लेने का, और यहाँ बचेगा x माइनस 7, यहाँ भी आ गया इज इक्वल टू जीरो, यानी कि दिस यानी कि जो लास्ट लाइन है हमारा वो देख लो कि यानी कि ये हो जाएगा हमारा x माइनस 7, ओके x माइनस 7 कॉमन ले लिया, तो बचा गया हमारा x प्लस 5, x प्लस 5, तो आ गया हमारा जीरो जीरोज, यानी कि यहाँ से एक x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, और यहाँ से x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप उसको सॉल्व कर लेना कि देयर फोर एक्स इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू माइनस 5, ये दो जीरोज निकल जाएंगे इन दोनों के मदद से, तो ये हमारा दो जीरोज और आ गया, दो जीरोज तो पहले दिया हुआ था, है ना, दो जीरोज ये आ गया, तो बाय क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल था तो चार जीरोज निकालना था, तो चारों जीरोज हमारा निकल चुका है, तो इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स हमको सॉल्व करना था जो कि हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जो कि लास्ट एग्जांपल होगा इस एक्सरसाइज का, तो तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना, जय हिंद जय भारत।